8,63,945 रुपए की बाइक। जी हाँ, आप सोचकर हतप्रभ रह गए होंगे कि इस कीमत में तो अच्छी शानदार कार आ सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मोटर साइकिल कंपनी KTM ने भारतीय बाजार में अपनी एक नई बाइक KTM 790 ड्यूक को लॉन्च किया है और इसकी एक्स शोरूम कीमत बताई जा रही है 8,63,000। इस बाइक को साल की शुरुआत में ही सामने लाया गया था, यानी इसे इस पर से पर्दा उठाया गया था। KTM बाइक की फिलहाल देश के 9 शहरों मुंबई, पुणे, सूरत, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के बाजार में बिक्री होगी। कंपनी का कहना है कि इन शहरों के बाद फेज वाइज अप्रैल 2020 तक 30 और शहरों में KTM 790 ड्यूक बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आइए जानते हैं इसकी विशेषता क्या है। लगभग 9 लाख रुपए की इस बाइक में 799cc का 8 वाल्व और DOHC इंजन है। 105 HP का पावर जनरेट करता है ये और 240 सिंगल डिस्क ब्रेक रियर में है। 17 इंच के अलॉय वाल्व दिए गए हैं। 43mm नॉन एडजस्टेबल USD फोर्क दिए गए हैं। 04 राइडिंग मोड दिया गया है बाइक में। 300mm फ्रंट में ड्यूल डिस्क दी गई है। बाइक को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि इसका फ्रंट हील हमेशा ग्राउंड पर अपना संतुलन बनाए रखेगा। यह बाइक 4 राइडिंग मोड स्मूथ, स्टैंडर्ड, डायरेक्ट, ऑलमोस्ट 1.1 ट्रैक सपोर्ट स्ट्रीट है। इस बाइक में राइडर ब्रेक और क्लच लीवर को एडजस्ट किया जा सकता है, यहाँ तक कि राइडर सीट की हाइट को भी एडजस्ट किया जा सकता है। KTM 790 ड्यूक के फीचर्स में ABS, 3 मोड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, 4 राइडिंग मोड, स्ट्रीट ट्रैक, रैन सुपर मोडो है। इसके अलावा बाइक में लॉन्च कंट्रोल सिस्टम के साथ ही व्हीली कंट्रोल, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हैंड लैंप्स आदि भी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी अब इस बाइक को भारत में लॉन्च क्यों कर रही है। भारत में इन दिनों शानदार मोटरबाइक का चलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, यही वजह है कि इसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.